तुमको पता है 1.5 लाख सब्सक्राइबर कितने होते पापा? हाँ हमें पता है 1.5 लाख सब्सक्राइबर, 1.5 लाख तो बोलोगे ना। ठीक है, 1.5 करोड़ थोड़ी बोल देंगे क्या? 1.5 करोड़ नहीं बोलेंगे, अभी 1.5 लाख ही है। हवा में मत तैरो, आपके ऊपर गर्व है। मेरे भारत में तो 130 करोड़ की जनसंख्या, हाँ 1.5 लाख कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो और आज ना नींद में ही मतलब मैं उठा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने देख लिया था कि अपन इंडिया गेट और कहाँ घूमने गए थे तानी और जय के साथ में। तो आज ना अपन दिल्ली से निकल रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और मेरा प्लान था कि मैं सुबह 4 बजे निकलूँगा, लेकिन सुबह 4 बजे मैं बोलता तो हमेशा अपने आप से कि मैं उठूँगा, दौड़ लगाने जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। 4 बजे का अलार्म रखा, उसको मैंने बंद करके 5 से 6 बजे करा, 6 बजे का अलार्म को मैंने 7 बजे कर दिया, और फाइनली 7 बजे मैं उठ रहा हूँ। और तो आज मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो आज दिल्ली को कर देंगे हम टाटा बाय बाय। और सुबह की बाल अभी जय सोया हुआ है, तानी भी शायद सोई हुई है मेरे ख्याल से, और जीजाजी तो रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए फटाफट। अपने ये अपने दोनों चुन्नू और मुन्नू हैं। ओके चुन्नू मुन्नू बाय, तानू बाय, बाय बाबू। तो चलो इनको सोने देते हैं और मैं निकलता हूँ यहाँ से अपनी बाइक की तरफ, और आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग मोड में। और पता नहीं यार आज का ट्रैवल कैसे रहने वाला, 300 किलोमीटर की राइड फिर से मुझे करनी है आज। तो हम निकलते हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, और सामने देखो अपना गुन्नू उधर छत में आ गया। बाय बाय। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से आपका मयूर विहार की गलियों से। राइड से पहले एक काम, महादेव का नाम, हर हर महादेव। और मेरा मन था यार सुबह सुबह 4 बजे निकलने का, लेकिन आपको पता है ना घर वालों के सामने आपकी नहीं चलती, और आपकी नींद के सामने में आपकी नहीं चलती। और आप देखो ट्रैफिक देखो कितना हो गया है रोड पे। तो भाई जी यार देखो अभी ना फिलहाल तो अभी रोड आपको खाली दिख रहा है, क्योंकि यार और हमने भैया मेरठ एक्सप्रेसवे में जो हमको डायरेक्ट ले जाएगा मुरादाबाद और हल्द्वानी की तरफ को। अभी ना मैं आपका ये देख रहा हूँ एक्सप्रेसवे में आके खड़ा हो गया हूँ। इसकी वजह भैया एक अपना सब्सक्राइबर है भाई, वो मिलने के लिए आ रहा है, बोल रहा है भैया आप रुक जाओ, तो अपन रुक गए इधर रास्ते में। यार अब ये दिल्ली वाले हाईवे पे ना देखो नेशनल हाईवे पर अपनी गाड़ी खड़ी हो गई भाई इस तरीके से, और अपन कर रहे हैं भाई अपने फैंस का वेट, क्योंकि यार भाई वो आने वाला था, अब वो किस साइड से आ रहा है मेरे को तो पता भी नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार शानदार। कैसे हो? तो रोड पे खड़े थे। रोड पे खड़ा था। अच्छा गलती यही होगी, हाँ मैं उस साइड खड़ा था, हाँ आप बीच वाले रोड से। तो अभी आप पीछे के रास्ते आए होंगे कि वो? चलो कोई नहीं, फाइनली मिल गया ना, मुलाकात हो गई, हम मिल चुके हैं रोहित भाई से। भाई देखो ऐसे होता है, अपन अब दिल्ली में तुम्हारे रोहित पहाड़ी को जानने वाले कुछ लोग हैं जो प्यार करते हैं, तो अपन दिल्ली आते हैं तो मेरे लोग मिलते हैं। तो मतलब नसीब ब्लॉग नाम से भाई का चैनल है, और भाई दिल्ली के मुझे हाईवे मिला, आप देख लो भाई क्या ये रोड है यहाँ की, और रोड पे मिल रहे हैं। ये ऐसा मीटअप शायद पहली बार हो रहा होगा लाइफ में कि नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े होकर अपन लोग मीटअप कर रहे हैं। तो ओके चलो भाई बाय बाय, फिर मिलते हैं। बढ़िया था भाई यार, अगला बंदा मतलब पहले तो 4-5 किलोमीटर पीछे छोड़ गया था भाई, उसका मुझे मैसेज आया था, उसने मुझे लोकेशन भी दी थी अपनी, लेकिन भाई 4-5 किलोमीटर। यार अब तुम्हारे रोहित पहाड़ी के ना फैन भाई दिल्ली में भी हैं, उनको अगली बार जब मैं आऊँगा ना तो 2 दिन पहले बताऊँ कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो आप लोग तैयारी कर लेना कि भैया कहाँ पे होगा अपना मीटअप तक। जी बारिश हो गई है थोड़ी तेज अब, क्योंकि मैं इस बार रेनकोट लेके नहीं आया हूँ मैं भूल गया था। तो भाई अभी मुरादाबाद यहाँ से है 132 किलोमीटर सामने, भोलेनाथ बारिश को मत करो, मौसम बनाओ बस, बारिश मत करो यार भाई। अब मैं ना भीगने लग गया हूँ यार, चलो कहीं ना आइट साइड देख के कहीं जुगाड़ देखते हैं, कहीं पे साइड में खड़े हो जाएंगे, एक कटिंग चाय पी लेंगे, और उसके बाद लोग रोके हैं। और सामने अपने को ना एक यहाँ पे एक छोटा ठेला मिला हुआ है, जहाँ पे ना आपका छोले कुलचे हम खा रहे हैं, क्योंकि अपने ने मंगाए हैं भैया छोले और कुलचे। ओके थैंक यू सो मच भाई ने छोले कुलचे खिलाए, और शानदार भाई छोले कुलचे खाओ यार, सच में बहुत टेस्टी होते हैं। अब चलते भाई, हल्की हल्की बारिश भी रुक गई है और अपने निकलते, वरना भाई ना मैं एक रेनकोट आया था वो इसने पहन लिया, और अब मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो तुम्हारे रोहित पहाड़ी जाएंगे बारिश में भीगते हुए, अगर बारिश आई तो ठीक है। ये कौन मिला? क्या हाल चाल है ब्रदर? बढ़िया शानदार। कहाँ से? चलते चलते तुम्हारे रोहित पहाड़ी को, भाई क्या बात है। साधु संधु यूपी 37 ब्लॉक कुछ लोग, और संधु भाई नाम है तुम्हारा भाई। अब चलते फिरते पहचान लेते हैं आपके रोहित पहाड़ी को लोग, भाई पीछे से आया तो मुझे लगा यार रुकना चाहिए भाई के लिए। चलो भाई अच्छा लगा तुमसे मिलके, आगे बढ़ो तरक्की करो, और भाई तुम्हारे भाई भी बहुत जल्दी ऐसी गाड़ी में दिखने वाले हैं तुमको। तो चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ। ओके अपना गढ़ गंगा हम पहुँच गए, और ये गढ़ गंगा वाला पुल है मेरे भाई। गढ़ गंगा बोले तो गंगा मैया, तो गंगे नमो गंगे, गंगे नमो गंगे तरंगे पापहारी, गंगे सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी गंगे। भाई जी फाइनली 5 घंटे के सफ़र के बाद ना आपका 8 बजे मैं दिल्ली से निकल चुका था और अभी बज रहा है आपका 2:15 और ही पहुँच गया हूँ अपने घर पर। तो वेलकम टू माय होम ब्रो। मैं ना अभी तक बिस्तर में सोया हुआ था, अभी अचानक से मतलब मुझे ना 1-2 फ़ोन आ गए भाई लोगों के, वो बोल रहे थे कि हम आपसे मिलने के लिए आपके गांव में आए हुए हैं। और पता है वो मतलब साइकिल से आए हैं 30-40 किलोमीटर दूर से। मैंने कहा था ना कि मेरे घर पे कुछ लोग आने वाले हैं, वो भी हल्द्वानी से यहाँ 40 किलोमीटर, बड़ा लंबा नाप दिया तुमने यार। मेरी एक हैंड पेंटेड साइकिल दिखा दो। ये हैंड पेंटेड या हैंड मेडेड? ये भाई सब ऐसा है, घर पे आ गए थे और भाई लोग और इनकी खातिर के लिए हमारे भाई ने सुबह सुबह बनाई है चाय, बढ़िया लोगों को चाय में पिला दी मैंने। और अब ना भाई लोग भी नाश्ता वास्ता करें ना, आसपास में एक कोई रेस्टोरेंट है। तो भाई जी हम लोग अपने घर से ना पास में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, उधर आगे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ना अभी घर में तो हमारे झाड़ू पोछा ही चल रहा था। तो इधर बैठते हैं और एक पराठा खाते हैं और उसके बाद फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो भाई आज का नाश्ता ना घर से बाहर हो रहा है, घर के पास में होने के बाद भी नाश्ता घर से दूर कर रहा हूँ। तो भाई पराठे वराठे खा लिए हैं और भाई लोग करते हैं विदा यहाँ से और मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ। क्योंकि ना देखो अभी क्या है, आज का दिन मतलब मैं ना कहीं जा ही नहीं पाऊंगा, मतलब मैं कितना ही प्लान कर लूँ ना आज मैं घर से निकल नहीं पाऊंगा। क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे हल्द्वानी साइकिल से, सुबह सुबह 5 बजे निकल गए थे आपके रोहित पहाड़ी से मिलने के लिए। और अभी आज अपने छोटा भाई और आ गया राहुल भी अपने घर में, और मैं मतलब घर के अंदर बैठा ही था कि भाई सामने देखो इस तरीके से, मतलब मैं किसी से मिलके आ रहा हूँ और सामने कुछ लोग और मिलने आ गए। तो एक काम करते हैं, इनकी भी खातिर करते हैं। तो भैया जी ये था हमारे दिन का आज दूसरा मीटअप और भाई लोगों के साथ ना बढ़िया वाली हमने चाय पी ली है, चाय वाय खत्म कर ली। आप क्या कहते हैं थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं, कुछ रील बना लेते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आपने भी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, क्योंकि फॉलो करोगे तभी बात करोगे, तभी जाके अपना मीटअप भी होगा। फिलहाल चाय वाय हम लोगों ने पी लिया, अब थोड़ा गपशप मारते हैं और फिर लोगों से ना मैं मिल गया और काफ़ी अच्छा लगा यार, मज़ा आया इनसे मिलने के बाद। इनका जाने का टाइम हुआ और कुछ और लोग आगे देखो हमारे घर के बाहर हिमालयन वाले। मतलब आज तो मतलब मैं कहीं निकल ही नहीं पा रहा हूँ यार, ये क्या हो रहा है, मतलब कोई ब्लॉग ही नहीं बन पा रहा है हमारे। आज सुबह से लोग आ रहे और जा रहे, आ रहे और जा रहे, यही चल रहा है। तो इनसे ही मिल लेते हैं, इनको ही पिलाते हैं गर्मा गर्म चाय। तो भाई चलो राहुल लोगों को करते हैं बाय बाय। ओके राहुल बाय बाय, तो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं पार्टी में। और भाई कुछ सारे लोग चले गए और अब ना आपका हमारे घर पर ना एक छोटी सी बिल्ली आई है और इसको ना अभी आदित्य दूध पिला रहा था यार। इसी ये आदित्य भैया इसको रोज़ दूध पिलाता है, बैठ ओ कैसे पी रही देखो। तो भैया हमारे ना आदित्य ने बिल्ली पाली है जो भैया ऐसे प्यार से दूध पी रही है देखो, और ये हमारा आदित्य है भैया। तो भैया आज सबसे ना मीटअप वीटअप भी हो गया और अपन दिल्ली से घर भी पहुंच गए। तो भैया आज तुम्हारे रोहित पहाड़ी के 1,50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, इसी खुशी में। तो आज हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो पार्टी करनी चाहिए, पार्टी करें, आज केक काटें। तो यह है कि यार आज ना अपने 1,50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इसी खुशी में पापा मम्मी के साथ बढ़िया सा केक काटते हैं। बाकी जो हल्द्वानी के हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, जितने हमारे हमको प्यार करने वाले लोग हैं, उनके साथ हम केक कल काट लेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं और केक लेके आते हैं आज रात के लिए। और आज रात ना मतलब सच में यार ये हर यूट्यूबर के लिए बड़ा खुशी की बात होती है कि यार मतलब वो ना मतलब कब 1 लाख सब्सक्राइबर हो, कब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो। मैं तो 1 लाख सब्सक्राइबर की पार्टी भी नहीं कर पाया और अपने 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो इतने सारे लोग मिलने भी आ गए, आज सब लोग जो मिलने आए थे वो 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए मिलने आए थे कि रोहित भाई आप मेरे को बधाई देने आए थे। तो ये बधाई वो दे रहे तो भाई अपने घर में भी तो खुशी मनानी चाहिए, क्या कहते हो। तो चलते हैं बाज़ार और केक लेके आते हैं। तो भैया जी हम लोग ना घर से निकल गए आपका केक लेने के लिए और पास में मार्केट है कालाडूंगी का बाज़ार, तो जाते हैं केक लेके आते हैं। और अभी तक ना घर में किसी को पता नहीं कि आज तुम्हारे रोहित पहाड़ी के 1,50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भैया जी तुम्हारे रोहित पहाड़ी पहुँच गए भैया बेकरी पे, और यहाँ पे ना भाई बहुत सारे केक लगे हुए हैं, इनमें से कोई एक चूज़ करना है आज 150K के लिए, ठीक है। तो जो भी इसको पसंद होगा ना हिमांशु को, तो वो हम रख लेंगे, ठीक। तो भैया इसमें से हमने एक केक चूज़ कर लिया और अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ। तो भैया जी मैं आपका केक शेक लेके घर पे आ गया हूँ और अंदर सब लोग रेडी हैं और मैंने केक को ना फ्रिज के अंदर डाला है। तो चलते हैं केक निकालते हैं और पापा लोग के सामने रखते हैं और केक काटते हैं। और आज पापा लोग को पता चल जाएगा कि तुम्हारे रोहित पहाड़ी के 1,50,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं अंदर अपने कमरे पर। अपना केक शेक रेडी है और ये हो गया भाई केक अपना सीधा। तो पापा मेरे आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, ये इसमें इसलिए लिखा है 1.5 लाख। तो भैया हम लोग आपका बैठ गए, सब लोग केक काटने की तैयारी है और 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर की खुशी में हम पूरी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। और तुमको पता है 1.5 लाख सब्सक्राइबर कितने होते हैं पापा? 1.5 लाख तो 1.5 लाख ही होते हैं। और क्या कहा? क्या है? अरे 1.5 लाख होते ना। अच्छा 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 करोड़ थोड़ी बोलेंगे क्या? 1.5 करोड़ नहीं बोलेंगे, अभी 1.5 लाख ही है। हवा में मत तैरो, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भागना पड़ेगा और बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कितने समय और बेलने पड़ेंगे? कह नहीं सकते हैं, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम। अच्छा तो आज तुम कितने खुश हो? 1.5 लाख से कोई खुशी है या नहीं है तुम्हें? देखो वैसा मेरे को तो खुशी बहुत पहले से ही है, अब आपकी उपलब्धियां हो चुकी हैं, अभी 1.5 लाख हो गए हैं, हो सकता है आपके 2 लाख हो जाएं, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। मेरे को तो खुशी ही खुशी है। और आप अपने साथ वालों से भी बोल देना जो आपको वो करते हैं, क्या करते हैं उसको, सब्सक्राइब करते हैं। हाँ सब्सक्राइब करते हैं, उनको भी मैं बधाइयाँ दूंगा। अगर अगले महीने फिर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? देखो मेहनत अगर करोगे, दौड़ भाग करोगे ना, इसमें बहुत दौड़ भाग होती है, तो दौड़ भाग होती है तो 1.5 लाख क्या, आप मैं तो कहूँ 3 लाख हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपके ऊपर, आपके ऊपर गर्व है, गर्व है कि ये 1.5 लाख है, 1 साल बाद 3 लाख हो जाएंगे अगर आपकी ऐसी ही वो चलती रहेंगी। इस 1.5 लाख का मतलब यह है कि इस भारत देश में 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं। नहीं 1.5 लाख तो बहुत कम है ना, मेरे भारत में तो 130 करोड़ की जनसंख्या भाइयों और बहनों क्या, लेकिन 1.5 लाख कुछ भी नहीं। 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। हाँ 1.5 लाख कुछ भी नहीं। मतलब तुम 1.5 लाख सब्सक्राइबर से इतना खुश नहीं हो? नहीं मैं खुश हूँ, खुश हूँ उन भाइयों। पापा ने जो बोल दिया वो तुम सब लोगों ने सुन ही लिया होगा, तो अब एक काम करते हैं, केक वेक काटते हैं और बधाई का गाना गाते हैं। और बधाई के गाने में हम क्या गाने वाले हैं पापा बताएंगे हमको, क्या गाने वाले हैं हम। चलो आओ सुबह घड़िया मनाए रहे, आओ सुबह सब्सक्राइबर हुए 1.5 लाख मेरे और एक लगा रहे इसको, इसका पूरा बर्थडे हो गया। देखो मेरा बाबू है, मेरा बाबू आया एक रावण का पार्ट तो बनता है बढ़िया वाला। चलो रावण के पार्ट, हाँ हाँ अच्छा। मुझे तैयार होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। किस चीज़ के? कौन सा स्टार्ट करूँ? तो पापा हमारे बर्थडे, हमारे 1,50,000 सब्सक्राइबर के उपलक्ष्य में तुम्हारे सामने एक गाना गाएंगे रामलीला का बढ़िया वाला। सभाओं में कैसे आया है, कहाँ का कौन बाल है भारी, गदा को संग लाया, गदा को संग लाया है। हा 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 हा। जय शंकर जी। प्रभु का दूत आया हूँ, मुझे क्या डर तुम्हारी है, प्रभु का दूत आया हूँ, मुझे क्या डर तुम्हारी बंदा जगत। तो चलो भैया सब लोगों को इसी ब्लॉग के साथ यहीं पे गुड नाइट करते हैं और कल मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे को लगा मुझे खिला रहे हैं पापा, मेरे को लगा पापा मुझे खिला रहे हैं। जो भी आप लोग इस वीडियो को, इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे लोग या मेरे शिष्य लोग या जो भी एनीबॉडी एनीथिंग, मैं उनको बधाइयाँ दे रहा हूँ। मैं रामलीला का बहुत बड़ा कलाकार रहा हूँ, लेकिन मैं आप ठीक है। ओके गुड नाइट, बाय बाय। ओके गुड नाइट, बाय बाय।